और बच्चों कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? सब बढ़िया चल रहा है? तो बेटा फिजिक्स 11 समतल में गति चैप्टर 4 लेक्चर 11 प्रक्षेप पे गति। आज प्रक्षेप पे गति पे लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है? तो समतल में गति, इसमें प्रक्षेप पे गति। तो बेटा प्रक्षेप पे गति में सबसे पहला उड्डयन काल, टी क्या है? उड्डयन काल, इसका फॉर्मूला क्या था? 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटे जी, ये उड्डयन काल। दूसरा हमने महत्तम ऊंचाई देखा, h महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई। तो ये क्या लिखा हमने? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। और एक हमने देखा रेंज, परास बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ठीक है? बेटा अगर मैं यहां पे इसकी मैक्सिमम परास की बात करूं, मैक्सिमम परास, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम परास बराबर u स्क्वायर बटे जी, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। इसका अधिकतम मान, मैक्सिमम मान क्या होता है? 1। ऐसे यहां बात करें साइन थीटा का महत्तम मान क्या है, मैक्सिमम मान या महत्तम या अधिकतम मान 1 है। तो महत्तम ऊंचाई अगर इसका भी मैक्सिमम मान ले लिया जाए एच मैक्स, तो ये क्या होगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो कई जगह यूज हो जाता है, जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखें, हमसे कहा जा रहा है कि भाई एक वस्तु को या किसी गेंद को, ठीक है, फेंका गया तो अधिकतम परास, अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी चल रहा है? अधिकतम, पूरा लिख देते, एक वस्तु को, एक वस्तु को, एक वस्तु का, एक वस्तु का अधिकतम क्षैतिज विस्थापन या एक वस्तु की अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी है? 100 मीटर है। यानी वस्तु को फेंका गया तो अधिकतम दूरी कितनी है इसकी? 100 मीटर, ठीक है भाई? किसी वेग से फेंका जा रहा होगा, अब उसी वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके मैक्सिमम हाइट के लिए, तो वो कितनी होगी? यदि समान वेग से वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा? ठीक है भाई, एक वस्तु को अधिकतम क्षैतिज दूरी 100 मीटर तक फेंका गया, उसी वेग से वस्तु को ऊपर उछाल दिया गया, ठीक है, तो ये कितनी ऊपर ऊंचाई पर जाएगा? डायरेक्ट लगा दो बेटा यहां पे फॉर्मूला, डायरेक्ट लगाओ। देखो मैक्सिमम रेंज कितना है, अधिकतम जो परास होती है, अधिकतम क्षैतिज दूरी ये होती है यू स्क्वायर बटे जी। तो ये हमें कितना दे रखा है? 100 के बराबर दे रखा है, 100 के बराबर, यानी यू स्क्वायर बटा जी 100 के बराबर है। अच्छा हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम हाइट हमें चाहिए क्या? एच मैक्स चाहिए। इसका मान कितना है? यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है बेटा। यहां पर आप देखिए यू स्क्वायर 2 को ऐसे बाहर की तरफ कर लीजिए, ऐसे करके, तो इसको मैं 2 को आगे शिफ्ट कर दिया, यू स्क्वायर बटा जी ऐसे लिख सकता हूं, यू स्क्वायर बटा जी यानी मैक्सिमम रेंज, इसका मान 100 है, तो 1/2 × 100, तो ये कितना आ गया? 50 मीटर। तो हमेशा वैसे आप डायरेक्ट ओरल भी कर सकते हैं इसको, कि भाई जो मैक्सिमम हाइट होती है रेंज की आधा होती है,
हमेशा ध्यान रखिए, चाहे तो हम इसे बना सकते हैं कि भाई यू स्क्वायर बटे जी क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम रेंज बटा दो कर देंगे तो मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे बच्चों कहा गया कि एक वस्तु को मैंने, ठीक है, एक पिंड है, एक वस्तु है, यू वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर भेजा, थीटा कोण पर फेंक दिया उसको, कितने वेग से, यू वेग से। एक वस्तु को, एक वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, तो यदि एक वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु का वेग निकालो जब वह क्षैतिज से अल्फा कोण, यानी वस्तु का वह वेग निकालो, वस्तु का वह वेग निकालो जब वह क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है कि भाई जैसे इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, बेटा एक वस्तु को यहां से फेंका, कितने वेग से कहा जा रहा है, यू वेग से, कितने कोण पर, थीटा कोण पर फेंका, तब ये इस तरीके से चलेगा यहां पर ऐसे करके। तो किसी जगह पर मान लो इस जगह पे, इस स्थिति में, ठीक है, इस बिंदु पर यहां वेग वी है, मैंने मान लिया वी वेग है, जिसे मुझे निकालना है वो वी वेग है, ठीक है। इस वक्त ये क्षैतिज से अल्फा कोण बना रहा है, ये कोण कितना बन रहा है, अल्फा, अभी कितना बन रहा है, थीटा, तो आपको वी का मान पता करना है। पॉज करके कर सकते हैं बच्चों इसको, आसान क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो ध्यान रखिए हमेशा कि जो प्रक्षेप्य गति है, प्रक्षेप्य गति में खास बात यह रहती है कि भाई जो क्षैतिज वेग होता है, हमने लेक्चर में जिक्र भी किया है, क्षैतिज वेग हमेशा, प्रक्षेप्य का क्षैतिज वेग हमेशा कांस्टेंट नियत रहता है, ठीक है। तो क्षैतिज वेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। यहां क्षैतिज वेग निकालिए, इसको दो हिस्सों में बांटिए, ये दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, वर्टिकल की भी जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल से काम चलेगा, यानी अगर ए वेक्टर ए है तो थीटा दिशा में इसका वियोजित भाग होगा ए कॉस थीटा, वियोजित भाग का मान क्या होगा, ए कॉस थीटा के बराबर। अब यू है यहां पर तो थीटा की दिशा में वियोजित भाग होगा यू कॉस थीटा। ऐसी बेटा वी का वियोजित भाग निकाल लीजिए, सिर्फ क्षैतिज दिशा से ही काम चलेगा, क्षैतिज वेग ही नियत है, वर्टिकल निकालने ऊर्ध्वाधर दिशा में मत करिए उसको। तो बेटा ये हो गया वी, ये वाले वेग का मान क्या हो गया, वी कॉस अल्फा। अब दोनों क्षैतिज वेग कैसे हैं, समान होंगे, क्षैतिज वेग नियत है, तो इक्वेट कर दो बेटा, यहां पे बराबर रख दो, वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी कॉस अल्फा बराबर यू कॉस थीटा, तो वी, अतः वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा बटे कॉस अल्फा, ये आ गया। तो ये वेग होगा, ध्यान रखेंगे, यानी इस तरीके से हम इसका वेग निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बड़े कंसेप्चुअल होते हैं। एक वस्तु को फेंका गया, ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया, तो पता चला वो 3 किलोमीटर दूरी पर जाके गिरती है, कहां गिरती है, 3 किलोमीटर दूरी पर जाके गिरती है, ठीक है। अब बेटा मैं उसे
उसे यानी किस तरीके से एंगल एडजस्ट करूं, समायोजन करूं प्रक्षेपण कोण का, जिससे वो एक टारगेट है 5 किलोमीटर दूरी पर वहां पर हिट कर जाए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी, यदि एक गोले को 30 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तक 3 किलोमीटर की दूरी पर गिरता है। भाई गोले को लॉन्च किया, ठीक है, गन चला दी, गन से गोला हमने निकाला, तो 30 डिग्री पर उसको प्रक्षेपित किया, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया। क्या आप कोण को समायोजन करके 5 किलोमीटर रखे, 5 किलोमीटर दूरी पे लक्ष्य रखा है उसको भेज सकते हैं? क्या प्रक्षेपण कोण का समायोजन करके 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को इस गोले से भेदा जा सकता है? ठीक है, तो अच्छा सवाल है। अब सबसे पहले, अब यहां पे गोले को क्षैतिज से ये प्रक्षेपित किया, अब वेग तो नहीं मालूम है, ये कोण मालूम है 30 डिग्री पर, ये गया और यहां गिरा, ए से चला और बी पर जाके गिर गया, तो बेटा ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 3 किलोमीटर के बराबर, परास कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर के बराबर दे रखी है। तो पहली इंफॉर्मेशन यहीं से निकाले कि भाई परास का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ये हमारे पास। ठीक है, तो अब यहां से कि भाई अब यू यू स्क्वायर साइन जो मान दे रखे हैं उसे रख लो, 30 डिग्री बेटा 2 थीटा, तो 2 गुणा 30 यानी 60 डिग्री जी और आर। ठीक है, अब बेटा यहां पे हम यू स्क्वायर का एक तरीके से मान निकाल सकते हैं, तो यू स्क्वायर का मान मेरे पास क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का मान मेरे पास हो जाएगा आर गुणा जी बटा साइन 60 डिग्री। आर का मान कितना है, नहीं 3 किलोमीटर है तो 3000 मीटर रख दिया, जी 9.8 चिपका दिया। ठीक है, साइन 60√3/2, 2 ऊपर चला गया। ठीक है, यू स्क्वायर का मान मेरे पास ये आ गया कि भाई यू स्क्वायर का मान इतना होगा। ठीक है, चाहे तो बेटा हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3 कर दें, 1√3 ये चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा √3 और 1000, इसको ऐसे लिख दे, ठीक है, 9.8 × 2। अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू स्क्वायर ये हो गया। अब बेटा यहां पे क्या कोण का समायोजन करके क्या हम कोण को ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं कि 5 किलोमीटर तक पहुंच जाए? तो हम ये निकालें कि भाई मैं अगर इसे मैक्सिमम रेंज पे ले जाना चाहता हूं तो मुझे 45 पे फेंकना होगा, 45 अंश पर फेंकना होगा, तो अधिकतम रेंज निकालूं मैं, अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए, ठीक है, तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री होगा, तो अधिकतम परास निकालता हूं मैं कि भाई इतने वेग से, ठीक है, इतने वेग से अधिकतम परास कितना हो सकता है, और अधिकतम परास थीटा 45 रखना पड़ेगा, अधिकतम परास निकालते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, बटा जी। अब साइन 2 थीटा, थीटा यहां पे 45 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 साइन 90 एक हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बटे जी, जी कितना हो गया 9.8, यू स्क्वायर ये मान चिपका दो इधर √3
10 की घात 3, 9.8 गुणा 2, 9.8, 9.8 ये चला गया, ठीक है। ऊपर मेरे पास आ गया 2√3। अब ये देखो 10 की घात 3, तो किलोमीटर में ही लिख दो इसको, 2 गुणा 3 यानी किलोमीटर। अब 2 गुणा रूट 3 की वैल्यू 1.732 इतने किलोमीटर। भाई 2 का मल्टीप्लाई करिए, इतने किलोमीटर आ गया। तो भाई अगर इसी वेग से अगर मैं वस्तु को फेंकूंगा, जिस वेग से 30 डिग्री पर फेंका, ठीक है, अब एंगल समायोजन करके प्रक्षेपण कोण को एडजस्ट करके इसी वेग से अगर मैं फेंकता हूं तो अधिकतम रेंज इतनी आएगी, जबकि बेटा टारगेट हमारा 5 किलोमीटर दूरी पर है। इसका मतलब ये टारगेट मिस कर जाएगा, तो ये लक्ष्य को नहीं भेद पाएगा, ठीक है। अतः गोला लक्ष्य को भेद नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन रहता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखो, अब जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, यह बॉल मान लीजिए, इसे 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया ऊपर की ओर, ठीक है। तो जब ये यहां से चलकर नीचे आया, जो टाइम लगा समय, ये 5 सेकंड है। समय कितना लगा? 5 सेकंड के बराबर। टी क्या है? समय। समय कितना लग रहा है? 5 सेकंड। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई ये क्षैतिज प्रास क्या होगा और इस मीनार की या इस दीवार की ऊंचाई क्या होगी। मान लो एच, एच निकालना है, ठीक है, और ये रेंज परास निकालनी है। तो यदि अच्छा, जब यूपी बोर्ड में 11-12 का मिला के सिलेबस आता था, तो ये 2014 और 15 में लगातार आया है बच्चों, यहां पर 2014 और 15 में लगातार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एक गेंद को किसी ऊंचाई से 30 डिग्री पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो वह पृथ्वी पर 5 सेकंड में टकराता है, पृथ्वी से, या पृथ्वी पर 5 सेकंड में टकराता है, ठीक है, 5 सेकंड बाद टकरा जाता है। तो हमें क्या निकालना है कि भाई ये हाइट क्या होगी और आर क्या होगा। हमें ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई तथा परास ज्ञात करो, ठीक है, और जी की मान क्या दे रखी है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी इतना दे रखा है। तो निकाल सकते हैं बेटा, यहां से हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले यहां देखिए कि भाई जो ऊर्ध्वाधर दिशा में दो इस वेग को ना दो हिस्सों में विभाजित कर लीजिए, एक तो क्षैतिज घटक क्या हो गया ux और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया uy। तो ux कितना हो गया?
u cos थीटा। u बेटा हमारे पास 10 है, cos 30 डिग्री, 10 cos 30 का मान रूट 3 बटा 2, तो 5 बटे रूट 3। ये क्या आ गया मेरे पास, 5 बटे रूट 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्षैतिज वेग हो गया, ये क्या वस्तु का क्षैतिज वेग है। ऊर्ध्वाधर वेग निकालिए u y, तो u sin थीटा, तो u कितना है 10 sin 30 डिग्री, 10 गुणा 1 बटा 2 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से ये यानी ऊर्ध्वाधर वेग है, और क्षैतिज वेग क्या है इसका 5 इंटू रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बेटा यहां से ये हाइट मुझे निकाल लूं, आसानी से निकाल लूंगा मैं, गति का द्वितीय समीकरण लगा दीजिए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जब भी यहां पर इस तरीके की जब प्रॉब्लम आती है तो एक चीज का बच्चों में ध्यान रखना होता है कि अगर मैं एक चिन्ह परिपाटी लेता हूं, जैसे बॉडी यहां से फेंकी गई है, ऊपर की तरफ भी वेग है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, हाइट कहां पर है विस्थापन, नीचे की ओर है। तो अगर मैं नीचे वाले धन ले लूं तो ऊपर वाला ऋण लेना पड़ेगा, या ऊपर वाला धन ले लूं तो नीचे वाले दोनों मुझे ऋण लेने पड़ेंगे। तो जनरली हम यहां पर ये ऋण ले लेते हैं, ये ऋण ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा यहां पे हाइट क्या है माइनस एच यूटी, अब यहां पर यू प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो क्या लिखा जाएगा ये यू वाई करा जाएगा। ठीक है, अब देखो एक ही जगह क्या रखा जाएगा माइनस जी रखा जाएगा, तो यहां पर मैं यू का मान रख देता हूं, यू कितना है ऊर्ध्वाधर दिशा में 5 टी, ये हो गया टाइम, मान लो टी लग रहा है। ठीक है, उसका मान भी हमारे पास है, वो भी रख देते हैं। चलिए अब यहां पर यह टाइम क्या है, टाइम कितना है 5 सेकेंड के बराबर, प्लस हाफ जी, अब जी क्या है ये भी माइनस लेना है, माइनस 10 इंटू 5 का टाइम कितना है 5 का 5 सेकेंड, इसका वर्ग कर दो यहां पर, बेटा ये कितना हो गया 25। अब देखो ये माइनस 2 पंजे 10, माइनस 5 और ये माइनस 125। ठीक है, तो कितना आ गया ये माइनस 100 मीटर, माइनस एच, इसलिए अतः है एच बराबर माइनस माइनस दोनों तरफ से चला गया तो 100 मीटर, 100 मीटर आ गया, हाइट जो हो गई 100 मीटर के बराबर हो गई। तो ध्यान रखेंगे कि जब हम इस समीकरण में, मैं ये भी लगा सकता था कि भाई नीचे इन दोनों को धन कर देता मैं और ऊपर माइनस कर देता, ये तो हमारे ऊपर होता है ना कि भाई जी को हम कब प्लस लें कब माइनस लें उसके अंदर, और जिसको एक बार प्लस मान रहे हैं तो थ्रू आउट द क्वेश्चन हमें प्लस ही रखना पड़ेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन में बीच में एक को एक बार उसे प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, तो बेटा यहां पे ध्यान रखेंगे इस तरीके से मैं यहां पर इसको h की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग निकाल लिया u sin थीटा, प्रारंभिक क्षैतिज वेग निकाल लिया, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी पास में, तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया ऊर्ध्वाधर में प्रारंभिक वेग। ठीक है, वही प्रारंभिक वेग यहां पर लेना है ऊर्ध्वाधर दिशा की गति के लिए, और टाइम 5 सेकंड दे ही रखा है। बेटा परास निकाल लीजिए, परास r इज इक्वल टू क्षैतिज वेग गुणा समय, क्षैतिज वेग गुणा समय, क्षैतिज वेग गुणा समय। अब क्षैतिज वेग हमारे पास कितना है, क्षैतिज वेग है 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना लग रहा है 5, तो 25 रूट 3 इतने मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, चाहे तो आगे बढ़ा के लिख सकते हैं कि भाई रूट 3 1.732 है, ये आ गया, देख लो वीडियो एक बार। चलिए हटा देते हैं इसको, अब देखो बच्चों जैसे
समझिए इस क्वेश्चन को जैसे है। एक लड़ाकू विमान है, ठीक है, एक लड़ाकू विमान है, ये चल रहा है, एक लड़ाकू विमान चल रहा है 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 720 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रहा है सीधे हाथ की तरफ। जब ये एक यानी तोप के ऊपर से गुजरता है या मशीन गन के ऊपर से गुजरता है, ठीक है, तो इसकी रफ्तार कितनी है 720। तो अब यहां से मशीन गन देखता है भाई गन वाला के एक हवाई जहाज निकल रहा है, लड़ाकू विमान हमारे देश में आ रहा है, इसको गिरा दो, ठीक है। तो अब ये जो यहां पे गोला दागता है, गोले की रफ्तार जो है 600 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो अब ये अपना एंगल कितना सेट करे, ऊर्ध्वाधर से अपने कोण को कितना रखे जिससे ये इस विमान को जाके टकरा जाए, ये विमान पे जाके टकरा जाए, इसको स्ट्राइक कर दे। ऐसा ना हो कि भी एंगल ऐसा ना हो कि कम एंगल कर दिया तो वो नीचे से निकल जाए, विमान ऊपर से निकल जाए, तो ये विमान से जाके टकराना चाहिए, ठीक है। और ये जो उसकी हाइट दे रखी है यहां से यहां तक, ये है 1.5 किलोमीटर। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं बेटा यहां पर, यानी एक लड़ाकू विमान, एक लड़ाकू विमान किसी विमान भेदी तोप के ऊपर से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से एक लाखों विमान किस वेग से ऊंचाई से 720 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से निकलता है या पार करता है, निकलता है, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर दिशा से इसका कितना कोण सेट किया जाए, नाल का कितना कोण सेट किया जाए, ठीक है, जिससे गोला उससे टकरा जाए। ऊर्ध्वाधर दिशा से प्रक्षेपण कोण कितना रखा जाए ताकि गोला विमान से टकरा जाए, ताकि गोला विमान से टकरा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पे क्वेश्चन इंडिकेट कर देते हैं। तो करते हैं, देखिए बेटा अब यहां पे, अब ये किस रफ्तार से निकल रहा है, ये 600, इसको लिख दूं ये भी, यानी गोले ऊर्ध्वाधर दिशा से प्रक्षेपण को कितना रखा जाए, गोला विमान से टकरा जाए। गोले का वेग कितना है, गोले का वेग 600 मीटर प्रति सेकंड है, गोले का वेग इतना है, ठीक है। तो अब बेटा यहां पर आप देखिए कि भाई ये एंगल आपने सेट कर लिया है ना, और यहां से ये एंगल थीटा मान लीजिए, ये एंगल थीटा मान लीजिए, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कोण आ जाएगा जो हमें निकालना है। तो प्रक्षेपण कोण मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अब प्रक्षेपण कोण थीटा है तो बेटा इसकी जो क्षैतिज दिशा में गति होगी, जो वेग होगा यूएक्स, ये बराबर होगा 600 कॉस थीटा। हमेशा थीटा की दिशा में जो घटक होता है कॉस में लिखा जाता है, तो 600 का थीटा की दिशा में घटक 600 कॉस थीटा। अब मान लो टी टाइम के बाद गोला जो है यहां से दागा गया, तो टी टाइम के बाद विमान से टकराया, तो कितना ये चला क्षैतिज दिशा, या कितनी क्षैतिज दूरी चला यहां से, यानी क्षैतिज दूरी गोले ने कितनी क्षैतिज दूरी चली, क्षैतिज वेग गुणा समय टी। क्षैतिज वेग कितना है,
cos थीटा गुणा पी, ये आ गया। अब ये नियत वेग से चल रहा है, जो हमारा एरोप्लेन है वो कैसे चल रहा है, एक नियत वेग से चल रहा है, चाहे तो इसे लिख देते हैं कि नियत वेग से, नियत वेग से, ठीक है। तो अब ये विमान यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है, इसे भी बेटा यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगेगा, तभी तो ये दाग पाएगा, अगर टाइम अलग होंगे तब थोड़ी दाग पाएगा, है ना। तो विमान कितना चला, विमान द्वारा चली गई दूरी, विमान विमान द्वारा चली दूरी कितनी हो गई, 720, ठीक है, इंटू 5/18 कर लो, ये किलोमीटर पर आ रहे हैं, मीटर पर सेकंड में बदल लो, क्योंकि 600 भी मीटर पर सेकंड के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो गुणा समय टी, ये हो गया। अब दोनों की क्षैतिज दूरियां क्या है, बराबर है, जितनी विमान क्षैतिज दूरी तय कर रहा है उतना ही गोलत करेगा, बराबर धर दो इनको। तो ये हो गया 600 cos थीटा इंटू टी बराबर, अब देखो यहां पे 18, चार बार ये चला गया, 40 और ये 200, 200 टी, ठीक है। तो टी बराबर हमारे पास आ गया, टी से टी ये चला गया, तो cos थीटा बराबर आ गया cos थीटा 200/600 यानी 1/3 यानी 0.333। तो अगर 0.33 देखें तो थीटा का मान अगर cos थीटा 0.33 है, ठीक है, तो इस वक्त जो थीटा होगा ये तकरीबन 70.5 डिग्री के आसपास होगा। तो अगर ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, या तो हमें लॉग टेबल मिलेगी, अदरवाइज यहां पर ये इनके मान दिए गए होंगे जहां से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो लॉग टेबल होती है उसी में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यूज भी होते हैं, तो उससे देख के हम लिख सकते हैं थीटा ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या था, ऊर्ध्वाधर से ये कोण, तो ये निकाल लो 90 माइनस, तो जो हमें चाहिए कोण तो वो क्या हो गया 90 माइनस 70.5, तो 19.5 डिग्री ये कोण होगा बेटा जो ऊर्ध्वाधर से इसको सेट करना होगा। तो इतना ही रखते हैं बेटा आज।